मौजा स्वामी ने ग्रामी कदर आज आपके सामने एक नहायत अहम कदीये को रखना। पहली बात तो वही है कि मुहर्रम के इन अयाम में जो गुस्ताहियाँ हुई हमारी इंतजामिया से, पुलिस से, मुख्तदर हलकों से, ये दरख्वास्त है कि उन गुस्ताहों के खिलाफ फिलफोर कार्रवाई करके उनके ऊपर मुकदमात को दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। दुख और अफसोस की बात यह है कि इस साल खास तौर के ऊपर जिन्होंने गुस्ताहियां की, जो करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे काटने की बजाय अहले सुन्नत के नौजवानों के ऊपर ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए कि फलाने जी टिकटॉक के ऊपर ये बात कह दी है, फलाने फेसबुक के ऊपर ये स्टेटस चढ़ा दी है। अच्छी बात है, अगर किसी के सेंटीमेंट्स और जज्बात मजरूह हुए हैं आप इनके खिलाफ मुकदमात काटें, लेकिन ये यक तरफा कार्रवाई दुरुस्त नहीं है कि एक बंदा फेसबुक के ऊपर, एक बच्चा टिकटॉक के ऊपर एक स्टेटस लगाए, उसके खिलाफ तो पर्चा हो जाए, लेकिन जो सैयदना उमर की इलानिया तोहीन करें, सैयदना अमीर मुआविया की इलानिया तोहीन करें, बनू उमैया को इलानिया काफर कहें पूरे के पूरे, और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज ना किए जाएं, और डॉक्टर तुकीर को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया, और जहां जहां पे गुस्ताहियां हुई हैं हमारा मुतालबा है वहां वहां पे कार्रवाई की जाए। पहली बात। दूसरी नहायत अहम बात है जिसकी तरफ कई मरतबा मैं नेशनल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर भी तवज्जो मबजूल करवा चुका हूं, और आज आपके जरिए भी इंतजामिया आईजी वजीर आला के सामने यह मुकदमा रखना है। जो मुकद्दस औराक होते हैं, मुकद्दस औराक यानी ये कुरान बुसीदा हो जाए, इसका कोई सफा शहीद हो जाए, छोटा सा टुकड़ा शहीद हो जाए, उसको तलफ करने का शरीयत में क्या तरीका है? शरीयत में इसके तीन तरीके हैं, उनमें से एक तरीका पाकिस्तान में मतरूक है, इसलिए नहीं करना चाहिए, लेकिन तरीकों में शामिल है। पहला तरीका यह है कि पानी में बहा दिया जाए, दूसरा तरीका यह है दफन कर दिया जाए, तीसरा तरीका यह है कि आग लगा दी जाए। हमारा मुआशरा जहालत का मुआशरा है, यहां पे आग लगाने वाला तरीका राइज नहीं है, उर्फ की अहमियत होती है और यह तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुकद्दस औराक को दफन किया जाए, उसके ऊपर कूड़ा फेंक दिया जाए तो मुकद्दस औराक की ज्यादा तोहीन है कि आग के जरिए, ईमानदारी से बताइए, और पानी में बहा दिया जाए और कुछ दिन बाद कुरान गंदे नाले से बरामद हो, वो ज्यादा तोहीन है कि आग लगाना। और ये वाकयात लाहौर के अंदर आपने देखे हैं, पानी में कुरान बहाए गए तो ये चुंगी अमर सद्दू के नालों से बरामद हुए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहां दफन किए गए कुछ अरसे बाद वहां पे कोई कूड़ा फेंक गया, उस बेचारे को क्या पता, अब कुरान नाले से निकल रहा, पर्चा काट दिया जा रहा है जी इलाके की अहले हदीस मसाजिद के ऊपर, दफन किया गया वरका उसके ऊपर बाद में कोई कूड़ा फेंक गया, पर्चा काटा जा रहा है अहले हदीस देवबंदियों के ऊपर। कल हुजरा शाह मुकीम में ऐसा ही वाक्य आया, मैं मजम्मत करता हूं, नहीं करना चाहिए, हम माशरे के उर्फ का ख्याल करना चाहिए, लेकिन उस बेचारे ने चंद मुकद्दस और आग को बुसीदा समझ के जलाने की कोशिश की। अगर तो यह बात याद रखिएगा, अगर उसने कुरान पाक की तोहीन की नीयत से जलाए हैं तो उसको फांसी लगा दी जाए, लेकिन अगर बुसीदा और आग को तलफ करने के शरीयत में जो तीन तरीके मौजूद हैं उनमें से एक तरीके को इख्तियार किया, चाहे जहालत से किया, तो क्या उसकी सजा मौत है? इन्ना मला मालू बिन नियात नहीं है, उसको प्रोब नहीं करना चाहिए। फिर होता क्या है? और आज मैं साद रिजवी साहब को भी और तरीके लब्बैक को भी यह बात कहना चाहता हूं कि हमेशा जब भी इस किस्म का कोई वाकया होता है वहां पे लब्बैक लब्बैक के नारे लगते हैं, या तो आप इन शरपसंद जत्थों से बरात का इजहार करें, या इनको अपनी जमातों से निकालें, या अपनी जमात का किबला काबा दुरुस्त करें, सवात में जिंदा जला दो, श्रीलंका में के मैनेजर को आग लगा दो, जड़ा वाले में आग लगा दो, ये क्या तर्ज अमल है? कल हुजरा शाह मुकीम रुकाड़े के अंदर भी आपने थाने के ऊपर पुलिस के ऊपर पथराव किया, आग लगाने की कोशिश की, मुलजम गिरफ्तार हो चुका है, और आप चाहते हैं मुलजम को वहां पे जिंदा जला दिया जाए। मैं हराजे तहसीन पेश करता हूं डीपीओ को, आईजी पंजाब को और इस वीएन को कि शर पसंदों से, इन जत्थों से, आहनी हाथों से निपटा जाए, निपटना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तोहीन की इजाजत देता हूं। अल्लाह की कसम, सबसे ज्यादा जैली मुकदमात तोहीन के अहले हदीसों के ऊपर होते हैं, लेकिन हमने कभी भी इस कानून की मुखालफत नहीं की। कानून होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, लेकिन अल्लाह के बंदो ईमानदारी से बताओ, कोई अहले हदीस आलम दीन
इस कुरान पाक की तोहीन करके जला सकता है? कोई देवबंदी आलम दीन जला सकता है? कोई बरेलवी जला सकता है? अल्लाह के बंदों कुछ होश के ना हों लोग। आप लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के अगर ये जत्थेबाजी शर पसंदी और शर अंगेजी फैलाते रहोगे तो लोगों की आपके साथ हमदर्दी खत्म होती जाएगी। और ये आप इलेक्शन में भी मुलाहजा कर चुके और हालिया धरने के ऊपर भी कि गैर मुसालक के लोग आपके इस तर्ज अमल से तंग आ रहे हैं। आपने इहतजाज किया, इहतजाज करना हर बंदे का शहरी का आईनी हक है, इहतजाज करना चाहिए। जहां पे आप खिलाफ आइन, खिलाफ शरीयत, खिलाफ इस्लाम कोई बात देखे इहतजाज करें। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हमने धरने दिए, हमने इहतजाज किए, हमने गुस्ताहों के खिलाफ पर्चे कटवाए, लेकिन क्या आज तक एक गमला भी तोड़ा, एक खिड़की को भी तोड़ा, किसी एक शहरी को भी नुकसान पहुंचाया? आप थाने के ऊपर हमले करके, पुलिस को प्रेशराइज करके, तफ्तीश किए बगैर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। वो बेचारे दो दो तीन तीन साल अदालतों में धक्के खाते हैं। वो उस्मान डोगर 10 माह हो गए अभी तक जेल में, इसी तरह के जैली पर्चे में। कल आपने कुदरतुल्लाह के ऊपर भी कटवा दिया, हुजरा शाह मुकीम के ऊपर। उस बेचारे की तो समझे जिंदगी खत्म हो गई। अगर तो उसने कुरान पाक की तोहीन की है डीपीओ साहब, अल्लाह की कसम अहले हदीस का नुमाइंदा होने के नाते से कह रहा हूं उसको सदाए मौत दे दी जाए। लेकिन अगर उसने शरीयत के तलफ करदा 3 अंदाज में से एक अंदाज को चाहे जहालत की बुनियाद पर अजमाया तो उसको जहालत का उधर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और मैं आपके इस बयान को भी सेकंड करता हूं कि शरपसंद जत्थे से आहनी हाथों से निपटा जाए। तो साद रिजवी साहब वजाहत करें कि कौन है लोग जो हर वक्त कानून और आइन को हाथ में लेकर मुसलमानों को जिंदा जलाना चाहते हैं और मुसलमानों के अंदर यह बात फैलाना चाहते हैं, ये जी तोहीन करते। अल्लाह के बंदो, आपको जो सहाबा के ऊपर सरेआम गुस्ताहियां करते हैं वो नजर नहीं आते? आपको तो हमारे हम कदम होना चाहिए। और हम इंतजामिया को भी ये कहना चाहते हैं, आला इदारों को और मुक्तदर हलकों को, कि पाकिस्तान को अगर शाम, लीबिया, इराक जैसे सूरत हाल से बचाना है तो पाकिस्तान के अंदर इस फिरकावरियत के नासूर को खत्म करना पड़ेगा, तमाम सहाबा का एहतराम करना पड़ेगा, तमाम सहाबा का, अहले सुन्नत के मुकद्दसात का एहतराम करना होगा। और हां, अगर कोई तोहीन कुरान करे, तोहीन रसालत करे, उसको फांसी दे दी जाए, कत्ल कर दिया जाए, लेकिन तोहीन का जैली और झूठा इल्जाम लगाने वाला साबित हो जाए झूठा है तो उसके ऊपर भी उसी कानून और आइन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या आप इस मुतालबे से मुत्तफिक हैं? सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ा सामीन ग्रामी कदर।